हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हम लोग इंडस्ट्रीज़ में किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एचपी को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको डे टू डे लाइफ में पड़ती है। किसी भी इंडस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कभी अगर एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करने की बारी आई तो वो कैसे करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप हमेशा पावर का फॉर्मूला √3 VI cos φ करके यूज़ नहीं कर सकते। आपको कुछ शॉर्टकट्स पता होने ज़रूरी है, जिसका यूज़ करके आप मेंटली तुरंत ये कैलकुलेट कर पाए कि कितने किलोवाट की मोटर एक्चुअल में कितने एचपी की होती है, ताकि उससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हमें ड्राइव्स में करनी होती है वो आप इजीली कर पाए। अब दोस्तों, इसमें कुछ लोग ये बोलेंगे कि मोटर के नेम प्लेट पे भी लिखा रहता है कि वो मोटर कितने किलोवाट की है, तो उसका प्रोपोर्शन कितना एचपी होगा। तो इसमें आप एक चीज़ में ध्यान रखिए कि अगर आपकी जो मोटर है, ये मान लीजिए 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पर रखी हुई है, अब आप इस चीज़ को देखने के लिए 4th फ्लोर अगर चढ़ने वाले हैं तो फिर आप टेक्निकली साउंड नहीं है। आपको इंजीनियरिंग वाइज आपको टेक्निकली ये पता होना चाहिए कि किसी भी मोटर का जो किलोवाट है उससे फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं, उसको एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एचपी से फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं या एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आज बताता हूँ कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ में ये किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, आप एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए कि किलोवाट इक्वल्स टू एचपी इनटू 0.746। ये फॉर्मूले का यूज़ करके आप किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट, ये दोनों ही निकाल पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी जो मोटर है ये 5.5 किलोवाट की है, और हमें ये निकालना है कि 5.5 किलोवाट की मोटर कितने एचपी की होती है। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए, 5.5 किलोवाट की मोटर है, ये कितने एचपी की होगी ये हमें निकालना है। तो आप सिंपल 5.5 किलोवाट को 0.746 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा उतने एचपी की आपकी मोटर है। तो नॉर्मली जो 5.5 किलोवाट की जो मोटर होती है, ये नॉर्मली 7.5 HP की होती है, 7.3 अगर मुझे एग्जैक्ट बोलना हो, पर इंडस्ट्रीज़ में हम लोग 5.5 किलोवाट की मोटर मतलब 7.5 HP की मोटर है ऐसा बोलते हैं। तो ये इस तरीके से तुरंत तुरंत कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए कि 5.5 किलोवाट की मोटर है तो उसे 0.746 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका रिजल्टेंट आंसर आएगा उतने HP की आपकी मोटर है। इसी को आप उल्टा भी करके देखिए। अगर मान लीजिए आपकी 7.5 HP की मोटर है, 7.5 HP की मोटर कितने किलोवाट की होगी, अगर ये आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपल जो 7.5 HP है इसको 0.746 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर जब आप 7.3 HP या 7.5 HP को 0.746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट 5.5 किलोवाट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्विक रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए। हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ ले, ये देखने के लिए कि आप √3 VI cos φ का यूज़ करते हैं, या आप किस तरीके से फास्ट आप सॉल्यूशन बताते हैं कि किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एचपी को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि किलोवाट से हम डायरेक्टली मोटर का फुल लोड करंट कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगला वीडियो इस पर भी बना दूंगा। क्योंकि देखिए, मोटर का फुल लोड करंट कितना है ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप रिले में सेटिंग करेंगे। तो अगर कोई आपको बोले कि अगर मान लीजिए 11 किलोवाट की मोटर का फुल लोड करंट कितना होगा, तो आपको ये तुरंत पता चलना चाहिए कि 11 किलोवाट की मोटर का फुल लोड करंट कितना होता है, 25 एचपी की मोटर का फुल लोड करंट कितना होगा, तो ये आपको तुरंत तुरंत पता चलना चाहिए। तो इस बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं ऐसे एक शॉर्टकट आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताऊंगा, जिससे आपको ये तुरंत कैलकुलेट करने में आसानी होगी कि किसी भी मोटर का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं। मैं दोस्तों आपको एक चार्ट भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ये चार्ट आप देखेंगे तो आपको एक नॉर्मल आइडिया हो जाएगा कि कितने किलोवाट की मोटर नॉर्मली कितने एचपी की होती है। नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके से 0.746 से डिवाइड भी नहीं करते, मल्टीप्लाई भी नहीं करते, वो बार बार आपके डे टू डे लाइफ में जब इसका यूज़ होता है तो आपको एक याद हो जाता है कि 7.5 HP की मोटर कितना करंट लेगी, 11 किलोवाट की मोटर कितने HP की होगी, 50 HP की मोटर कितना करंट लेगी। तो आपको मैं एक चार्ट दे रहा हूँ जो आपको ये बताएगा कि कितना किलोवाट की मोटर नॉर्मली कितने HP की होती है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।